आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नूतन बिल्डिंग की इनॉगरेशन जरिगिंदी ई संदर्भंलो एंटायर सिटी पुलिस तरफ नुंची सिटी तरफ नुंची ऑनरेबल होम मिनिस्टर गारू जनाब महमूद अली गार की वेलकम चेस्तुनामु इदे विधंगा मन ऑनरेबल मिनिस्टर तालसानी श्रीनिवास यादव गार की चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री के दामोदर गार की फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट मन डीसीपी गारू टू आल्सो गिव ए बुके टू अवर चेयरमैन गारू ई रोज चेयरमैन गार की बर्थडे उंदी सो एंटायर सिटी पुलिस तरफ नुंची सर मीकु हैप्पी बर्थडे मन तेलंगाना स्टेट मन तेलंगाना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री महेंदर रेड्डी गार की अंडर हूज लीडरशिप यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विसेज एनीवेयर एवरीवेयर ऑल द टाइम इदी ओका मोटो उंदी ई पुलिस स्टेशन की इनॉग्रेशन दिस इज डेडिकेशन टू दैट मोटो फ्रॉम अस मन एमएलसी प्रभाकर गार नाउ नेनु मन स्टेट डीजीपी श्री महेंदर रेड्डी गार की रिक्वेस्ट चेस्तुन्नामु टू से अ फ्यू वर्ड्स
గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ మహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు గౌరవనీయులు మై ఎస్టీమ్డ్ కొలీగ్ శ్రీ అంజనీ కుమార్ గారు వేదికను అలంకరించిన మిగతా పెద్దలు ఈ సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న గౌరవ అతిథులు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద మీడియా ఈ రోజు ఈ ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ న్యూ బిల్డింగ్ ని మనం గౌరవ హోమ్ శాఖ మార్చి థాంక్యూ సర్ హమారే ఎమ్మెల్యే సాహెబ్ జాఫర్ మిరాజ్ సాహెబ్ సే మే దర్ఖాస్త్ కర్తా హూ కి कुछ अल्फाज कहे हैं रेस्पेक्टेड ऑनरेबल होम मिनिस्टर मेरे बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब और तलसिनी श्रीनिवास यादव साहब मिनिस्टर चेयरमैन हाउसिंग दामोदर रेड्डी साहब प्रभाकर साहब एमएलसी और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब कमिश्नर अंजनी कुमार साहब और तमाम जितने भी यहां पर डिग्निटरीज आए हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर साहब डीजीपी साहब और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी के अंदर ये तीसरा पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है जिसमें एक है नामपल्ली दूसरा नामपल्ली ट्रैफिक तीसरा आसिफ नगर अब मेरी कॉन्स्टेंसी में एक और पेंडिंग है हुमायूं नगर इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा जैसा आपने डिटेल तमाम तफसील सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो 2014 में सबसे पहले उनका क्या प्रायोरिटी थी तो मैं भी यही समझता हूं जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल में रहता है वो स्टेट ऑटोमेटिक ग्रो होता है जैसा अगर फ़र्ज करिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है या अगर कोई दूसरे स्टेट से आके अपना बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं वहाँ पे अगर उसको टोटल पीस अगर रहेगा तो वो कहीं और नहीं जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर काम और रोज़गार चला सकता है जिसके अंदर हम काफ़ी लोगों को जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकते हैं ईरोज आसिफ नगर लो ये पुलिस स्टेशन मैं इनॉग्रेशन చేసుకుంటున్నటువంటి శుభతరుణంలో ఏ రాష్ట్రమైనా గానీ ఏ దేశం మరి డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్ళాలనుకుంటే శాంతి భద్రతలు అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం సార్ నౌ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఎం మహేందర్ రెడ్డి గారు శ్రీ దామోదర్ గారు మా చైర్మన్ ఉన్నారు పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఈరోజు ఆయన బర్త్డే చాలా శుభాకాంక్షలు నాకు చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు శ్రీ అనిల్ కుమార్ గారు ఐపీఎస్ श्री अंजनी कुमार गारु सीपी हैदराबाद श्रीमती सीता गोयल गारु एडिशनल सीपी क्राइम श्री अनिल कुमार गारु एडिशनल सीपी ट्राफिक श्री डीएस चौहान गारु एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री एआर श्रीनिवास गारु आईपीएस जॉइंट सीपी श्री डॉक्टर डी खासिम साहब श्री डीआर खासिम कॉर्पोरेटर विजयनगर श्री करुणाकर गारु कॉर्पोरेटर गुड्डी मलकापुर मीडिया फ्रेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन प्रोग्राम में अंदर की ना पेर पेर तो नमस्कार सलाम चला सतोषमी आसिफ नगर पोलीस स्टेशन इनाग्रेशन इंतम पोली स्टेन चाल चिना महानबू सीएम गारेलंगा वे तरह पोली डिपार्टेंट चाल इंपारटेंस इच्छा मैं पोली इंडिया नंबर वन पोलीणा पोली उ फ्रेंडली पोलीस अंटे मा तेलंगाना पोलीस जावेदन चप्पिना गारु एमएलए गारु चला ओक मंची माट चेप्पारु इंता मुंदु चाला लास्ट 20 इयर्स 15 इयर्स 10 इयर्स बिफोर पिल्ललकु भी अंटे अलगु भयं कावाली अंटे पोलीस वस्ते अंटे पेरेंट्स अलगु चेप्तुन्नारु इप्पुडु पोलीस अंटे सूट चेस्तुन्नारु पिल्ललु अंटे चाला फ्रेंडली पोलीस चाला मंची एग्जांपल इच्चारु तप्पकुंडा मा पोलीस चाला मंची पोलीस उंदी मन स्टेट का डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन पोलीस उंदी మా పోలీస్ చాలా బాగా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది ఆ టైంలో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మా డీజీపీ గారు కమిషనర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు డీజీపీ అయిన తర్వాత చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు సీసీటీవీ కెమెరా
ఇండియా లో నంబర్ 1 టోటల్ ఇండియా లో ఎంత కెమెరాస్ ఉంది 70% కెమెరాస్ మన దగ్గర ఉంది అంత బాగా డెవలప్ చేశారు టెక్నాలజీ యూస్ చేసినాంటే మొత్తం ఇండియా లో తెలంగాణ పోలీస్ చాలా బాగా టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తలేదు చాలా పెద్ద టెక్నాలజీస్ ఉన్నారు ఆయన చెప్తున్నారు మీ టెక్నాలజీ అంటే ఎక్స్‌పర్ట్ మంచి ఏం చెప్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నిరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీ అంజనీ కుమార్ గారు చాలా రావాలి అంటే నేను మూమెంట్ లో చూశాను నా ఇంటి అంటే ఆజంపురంలో ఉంది సాధారణంగా వస్తే సాధారణ బయట 100 మంది 200 మంది ఉన్నారు నేను బండి ఆపే అరే క్యూ ఠేరే భాయ్ ఆప్ లోగ్ యహాన్ పర్ క్యా బాత్ హై తోనే హమారే ఆద్మీ కో పకడ్ కే లేకే ఆయే తో ఫిర్ జాయియే ఆప్ లోగ్ తోనే హమారే లీడర్ ఆ రహే జబ్ తక్ కోయి లీడర్ నహీ ఆయే జబ్ తక్ జాకర్ పోలీస్ స్టేషన్ మే కోయి జాతా జానే సే డర్తా తా ఆజ్ చాలా పోలీస్ కో బహుత్ రెస్పెక్ట్ హై అబ్ ఛోటే మోటే వాక్యాత్ జబ్ లైన్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ కరనా చాతే హై తో థోడా సా సఖ్తీ సే కంట్రోల్ భీ కరనా పడతా హై ఐసా నహీ హై फ्रेंडली तो जरूर रहती है हमारी पुलिस मगर जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सख्ती भी बरतना चाहिए हमारी पुलिस इस तरह काम कर रही है और खास तौर से मैं ऑनरेबल सीएम गारु बागा पुलिस को सपोर्ट चेसर तेलंगाना वच्चे तरवात पुलिस लो अंटे एम्प्लॉयमेंट कोसम जॉब तेलंगाना बनने के बाद लोगों नीचे करो भाई हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट आज इंडिया में नंबर वन पुलिस है तो हमारी तेलंगाना स्टेट की पुलिस है और खास तौर पर तेलंगाना बनने से पहले हैदराबाद में क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे तेलंगाना में नक्सलिज्म था और आज हमारे आने वाले सीएम साहब की कारकर्दगी की वजह से नक्सलिज्म का खात्मा हुआ और तेलंगाना में गंगा जमुना तय हुआ जानते हैं हसीन नगर पुलिस स्टेशन 4,16,00,000 की लागत से बना है आई वो है और 16,000 का एरिया चौश हमारे बिल्डिंग्स जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन के बिल्डिंग वीक हैं वहाँ अस्तरन और तामीर किया जा रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा वीक है वहाँ नई बिल्डिंग बनाई जा रही है इसके लिए हमारे आने वाले सीएम साहब ने सारे तेलंगाना में खास तौर से हैदराबाद में पुलिस स्टेशन बिल्डिंग में बहुत अला पैमान का बनाया जा रहा है और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इस टेक्नोलॉजी से क्राइम में कंट्रोल हो रहा है और हैदराबाद और तेलंगाना में क्राइम बहुत कम घट चुके हैं और जहाँ जो लोग क्राइम करते हैं मुसासिर उन्हें पीडी एक्ट भी लगाया जाता है और आज हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर पुलिस जो डिपार्टमेंट होता है वो आवाम के लिए ही होता है आवाम के उनके लिए इंसाफ फैलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है और हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है इसलिए मैं हमारे डीजीपी साहब को और कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब को तमाम पुलिस अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हर तरीके का बजट भी सैंक्शन किया आज हमारी जो पेट्रोलिंग हो रही है ऐसी पेट्रोलिंग हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है अगर आप 100 डायल करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स हमारी पुलिस पहुँच जाएगी पुलिस की कारकर्दगी के लिए मैं तमाम पुलिस अहदेदारों को डीजीपी साहब को और कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारे सीएम साहब की खास दिलचस्पी इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सुधारने के लिए इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्रेंडली पुलिस काम करने के लिए जिस तरह हमारे सीएम साहब ने बजट सैंक्शन किया है उनका हमें शुक्रिया माना पुलिस में खासतौर से महिला के लेडीज़ को 33% कोटा दिया है ताकि उससे शहर में अमन कायम हो और खासतौर से जितने केसेस ज़्यादा आते हैं फैमिली मैटर्स का ताकि उनको हमारी बहनों को हर तरीके से पुलिस की सपोर्ट के लिए की टीम्स और भरोसा सेंटर कायम किया गया और इस पुलिस स्टेशन का जो आज इनॉग्रेशन किया गया माशाल्लाह बहुत अच्छा पुलिस स्टेशन बना है उसके लिए हमारे सीएम साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे डिपार्टमेंट को मुबारक साहब 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 से पुलिस की तरफ से जो चालान किया जा रहा है जो कर्फ्यू टाइम में जो छोड़ा जा रहा है उसके अंदर भी पुलिस जो है चालान कर रही है आप एक बात देख लीजिए आप लोग व्हाट्सएप जिस तरीके से पुलिस का एक ही मकसद है आवाम की खिदमत करना उसके लिए मुकम्मल कल जो कांस्टेबल साहब की तरफ से जो हादसा पेश आया आसिफ नगर में जरा हटा दिखे लिया आप बड़े हुए जरा थोड़ा हटा दिखे लिया
चाहिए हमारे।